Assalamualaikum. How are you all? Hope you are fine. Alhamdulillah. So in previous class you have learned about letter B and you have known about letter B. ठीक है, आपको पता चल गया, आपने previous video में letter B को देख लिया, पहचान लिया, आपको थोड़ा सा मालूम हो गया कि exactly what is B. Which letter is this? B. B. ठीक है, सो टुडे आई एम गोइंग टू राइट लेटर बी ऑन द बोर्ड. आज टीचर लेटर बी जो आपने कल वीडियो में देखा, ठीक है, आज वही लेटर टीचर बोर्ड पर आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगी. ठीक है, तो आइए, लेकिन सबसे पहले मेरे साथ दुआ पढ़ ले, इल्म में इजाफे की दुआ. रब्बी जिदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमाइए, आमीन. तो ये है लेटर बी. व्हिच लेटर इज दिस? लेटर बी. ओके, व्हाट इज दिस? बॉल. बी फॉर बॉल. What is this? Butterfly. Okay. Read with me. B for ball. B for butterfly. B for ball and B for butterfly. Basket. B for ball. B for ball. B for butterfly. B for basket. Ball. Ball का हमारा जो first letter है वो है B. B. बटरफ्लाई का हमारा फर्स्ट लेटर है बी. 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 बॉल, बटरफ्लाई एंड सेम बास्केट. ओके, रिपीट विद मी. बी फॉर बॉल. बी फॉर बटरफ्लाई. बी फॉर बास्केट. B for ball, B for butterfly and B for basket. अब हम अपना ये सेम B हम अब बुक में लिखेंगे. ठीक है, तो मेरे साथ लिखेंगे, चले आइए. ओके, टीचर हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द लेटर B ऑन द बोर्ड. नाउ टेक आउट योर इंग्लिश बुक्स फ्रॉम योर बैग and open the page number 20. This is your page number 20. Okay, but first of all what we have to do, we have to recite the dua of increasing knowledge. Recite with me. Rabbi zidni ilma, ae mere rab mere ilm mein izafa farmaiye. तो अब सबसे पहले टीचर आपको एक स्टोरी सुनाएंगी. ठीक है, जैसे कि टीचर आपको हर लेटर से पहले एक स्टोरी सुनाती हैं, है ना. आज भी टीचर आपको एक स्टोरी सुनाएंगी.
दिस इज द स्टोरी ऑफ बी, लेटर बी. ठीक है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू व्हाट वी हैव टू डू, यू हैव टू मेंशन द डेट ओवर हियर विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स. अपने मामा और बाबा की हेल्प से आपने यहाँ पर डेट मेंशन करनी है एंड डे ऑल्सो. ओके, नाउ कम ऑन द स्टोरी. पहले मुझे ये बताइए आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, मतलब क्या है इस पिक्चर से, आपको कुछ समझ आ रहा है? यहाँ पर एक ओल्ड लेडी है, एक छोटा सा बच्चा है, बस जा रही है, रोड है, फुटपाथ है. समझ में आ रहा है आपको कुछ? चलें टीचर बताती हैं. द बॉय वॉज वेटिंग फॉर द बस एट द बस स्टॉप. ये जो बॉय है ना, कैन यू सी द बॉय, ही वॉज वेटिंग ऑन द बस स्टॉप. ये जो बच्चा है ना, वो बस स्टॉप, सॉरी एट द बस स्टॉप, ये जो बच्चा है ना, ये बस स्टॉप पर वेट कर रहा था बस का, क्योंकि उसने कहीं जाना था ना, तो उसने सोचा मैं वेट कर लेता हूँ. ही सो एन ओल्ड लेडी कैरिंग अ बास्केट ऑफ बनानास. उसने अचानक से देखा कि एक ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी औरत वहाँ से जा रही थी, जिनके हाथ में एक बास्केट थी जिसमें बहुत सारे बनानास थे. यू कैन सी अ बास्केट, बी फॉर बास्केट, और उसकी बास्केट में क्या थे? बनानास, बी फॉर बनाना. ठीक है, द बॉय वेंट नियर द ओल्ड लेडी एंड सेड. बच्चा उस औरत के पास गया, ठीक है, और उसने कहा कैन आई हेल्प यू. ओ वाह, बच्चे ने तो बहुत अच्छी बात कर दी. बच्चे ने कहा कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, क्या मैं कोई आपकी मदद कर सकता हूँ. आपको भी इसी तरह, जब आप भी किसी को देखे ना कि घर में मम्मा बाबा या कोई भी घर में आपके बहन भाई दादा दादी, ठीक है, आप उनसे पूछा करें कि कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपके काम में हेल्प कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. ठीक है, जैसे मामा अगर किचन में है तो आप मामा को कुछ पूछ सकते हैं कि मामा मैं आपको कुछ पकड़ा दूँ, कैन आई हेल्प यू, कुछ भी. ठीक है, द ओल्ड लेडी गेव द बास्केट टू द बॉय एंड सेड जज़ाकल्ला माय बॉय, यू आर वेरी गुड. तो आपने देखा कि जब बच्चे ने उस बूढ़ी औरत से पूछा कैन आई हेल्प यू, बच्चे ने उनकी मदद करनी चाही, तो उस बूढ़ी औरत ने क्या किया, बच्चे की तारीफ की, बच्चे को कहा यू आर वेरी गुड बॉय, और साथ में कहा जज़ाकल्ला. आपने देखा उन्होंने कहा जज़ाकल्ला क्यों कहते हैं, आपको पता है, जब भी हम किसी का शुक्रिया अदा करते हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं जज़ाकल्ला. अगर आपको मामा पानी देती हैं तो बोला करें जज़ाकल्ला मामा, अगर मामा खाना देती हैं तो बोला करें जज़ाकल्ला मामा, और अगर बाबा इसी तरह आपको कोई चीज़ देते हैं या आपकी किसी काम में हेल्प करते हैं, आप बोला करें जज़ाकल्ला बाबा. ठीक है, तो आपने आज से यही कहना है सबको, ठीक है, दादा दादी, अगर सब किसी को भी आपने थैंक यू कहना है तो आप बोलेंगे जज़ाकल्ला. ठीक है, तो आपने देखा कि बच्चे ने किस तरह उस बूढ़ी औरत की हेल्प की. आप भी दूसरों की हेल्प करना सीखेंगे, ठीक है. नाउ कम ऑन हियर, बी बॉल, ड्रॉ वन मोर बॉल, नाउ काउंट एंड राइट. ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बॉल ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है. वी हैव टू ड्रॉ वन मोर बॉल. ओके, एक और बॉल हमने यहाँ पर ड्रॉ करना है. ये देखें, टीचर ने ड्रॉ कर दिया. नाउ काउंट विथ मी, हाउ मैनी बॉल्स आर हियर, वन एंड टू. हाउ मैनी बॉल्स आर देयर, टू बॉल्स. हाउ मैनी बॉल्स, टू बॉल्स. ओके, नाउ ट्रेस द नंबर टू. वेरी गुड. Okay, now come on here.
Which letter is this? Letter B. अपनी पेंसिल पकड़ लीजिए. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मेक वन. टीचर ने आपको वन बनाना सिखा दिया. वन बनाया आपने, ठीक है. हमें अप से डाउन आना है. अप से कहाँ आना है? डाउन. ओके, हमने वन बनाया, अब हम इसके टू टमी बना देंगे. मेक टू टमी, वन टमी एंड टू टमी. वाओ. बी, बी. ट्रेस अगेन, कम डाउन एंड मेक टू टमी ऑफ द बी. वन टू, क्या बन गया? बी, बी. मेक वन, बी. क्या है ये? बी, बी. तो आज आपने एक अच्छी स्टोरी से सुनी, जिसमें एक बहुत अच्छे बच्चे ने एक बूढ़ी औरत की हेल्प की थी, ठीक है. और औरत ने उनकी तारीफ की थी और उनका उनको जजाक अल्लाह कहा था, ठीक है. और औरत के हाथ में बास्केट थी, बी फॉर बास्केट, बी फॉर बनाना. और वहाँ से एक बस बस गुजर रही थी, बी फॉर बस, ठीक है. और आज हमने बी को ट्रेस करना सीखा, ठीक है. नाउ क्लोज योर बुक्स एंड से अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह हाफिज़.